दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत के बाद बदल गया पूरा समीकरण और टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। भारतीय टीम हुई वर्ल्ड कप 2023 से बाहर। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो बीसीसीआई के नियम से भारतीय टीम कैसे हुई वर्ल्ड कप से बाहर, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला खेला गया 34वां अफगानिस्तान और नीदरलैंड टीम के बीच में, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड की टीम 179 रन के स्कोर पे ऑल आउट हो गई। एंगल ब्रंट ने सबसे ज्यादा 58 रन लगाए और किसी बल्लेबाज को नहीं चलने दिया अफगानिस्तान के घातक गेंदबाजों ने। दोस्तों जिसमें मोहम्मद रमी ने 3 विकेट चटकाए, नूर अहमद ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए। दोस्तों इसके जवाब में अफगानिस्तान टीम के 2 विकेट स्टार्टिंग में गिर गए थे। गुरबाज 10 रन पे आउट हुए, इब्राहिम ज्यादा रन 20 रन पे आउट हुए, रहमत शाह ने 92 रन की तूफानी पारी खेल डाली और फिर शहीदी ने आकर के अंत में इस मुकाबले को जिता दिया अफगानिस्तान को। और इसी जीत के साथ अफगानिस्तान की टीम अब पॉइंट टेबल में नंबर 5 पे आ चुकी है, पाकिस्तान और नीचे पहुंच चुका है। दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की जीत से टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, मगर दोस्तों ये सरासर गलत खबर है। भारतीय टीम तो पहले ही ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए।